नमस्कार, मेरा नाम भावना बजाज है और मैं ह्यूमन राइट कमीशन और एनसीपीसीआर में कंसल्टेंट रही हूँ। बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, हम शुरू से ही कर रहे हैं ये काम। तो मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक जगह पर मैं अकेली गई थी, किसी कैमरा पर्सन को उस समय नहीं ले गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है महिलाओं की। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहां से चला गया है। ये मेरी बिल्कुल विनम्र आप लोगों से प्रार्थना है, किसी भी महिला का अगर आप चेहरा दिखाएं तो उसको ब्लर कीजिए। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि क्या एक से ज्यादा महिलाओं के रखते हैं, तो एक महिला ने बोला जब ये शिकार करते हैं ना, तो किसी एक को चंगुल में लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं। और वो महिला को इतना धमका के भेजते हैं, वो ये वर्ड बोलती है कि हमें मनोरंजन करने के लिए बोला गया है। वो बलात्कार, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा शब्द मुंह से ही नहीं निकाल पाती, पर उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। मतलब ये सब हमने फिल्मों में सुना था, देखा था, पर ऐसा असल में होता है वो नहीं मालूम था। जब भी ये किसी को कंप्लेंट करते हैं, वो बोलती है पुलिस के पास तो हम कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सुनता नहीं है। और फिर ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारे को जो भी स्कीम मिल रही है, जो भी राशन मिल रहा है, वो सब बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, हम शहरों में रहते हैं, हमारे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महिलाएं कैसे वो भुगत रही थी, और मैं बिल्कुल दिल से इन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, शाबाशी देना चाहती हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि आप लोग एकजुट रहिए, आप बाहर निकल आई हैं, कम से कम आपकी अगली जनरेशन बच जाए। और इस पर जो भी आप बोल रही हैं, उस पर एक मत रहिए। वो बोले कि 5 महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया है। मैंने बोला अगर 5 ने भी दे दिया, वो 5 भी हिम्मत करके आगे आ जाती हैं उन 20 से। ये 20 तो यहाँ मुझे मिली हैं, जाने अभी तो जहाँ 144 है वहाँ हम गए नहीं है, तो वो कितनी वो संख्या होगी। अगर 5 भी खड़ी होकर स्टेटमेंट दे देती है, तो मेरे को लगता है कि मैं उनको दिल से सैल्यूट करूंगी। थैंक यू।